इस वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं ये सोलार सबमर्सिबल वाटर टैंक प्रोजेक्ट है, जो इसके ऊपर जो सोलर प्लेट लगा हुआ है और उसका नीचे एक टैंक है आप देख सकते हो, और उसका नीचे बोरेल है। और ठीक देख सकते हो टैंकी का एकदम नीचे एक कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि पंप को कंट्रोल करता है। टैंकी जब एकदम फुल हो जाएगा मोटर को ऑफ करना, फिर जब खाली आधा हो जाएगा मोटर का फिर से चालू करना, वो सब काम वो कंट्रोलर करता है। और उसका नीचे जो बोरवेल है वो एकदम फिक्स्ड पाइप लगा रहता है टैंकी के ऊपर, जब मोटर चालू होगा वो टैंकी में पानी गिरेगा। उसका साइड में एक कंट्रोलर इस टाइप रहता है, एक ओपन स्विच रहता है उससे जरिए आप ओपन कर सकते हो। उसके अंदर ये वाला एक VFD लगा रहता है, VFD के बिना और सारा इक्विपमेंट लगा रहता है जैसे MCB रहता है, कनेक्टर रहता है, ये सब रहता है। पहले सोलर से जब करंट आता है DC तो पहले DC MCB में आता है, उसके बाद VFD में जाते हैं। VFD में क्या होता है उसके अंदर 3 फेज जो क्या होता है DC को AC में, सिंगल फेज DC को वो AC में कन्वर्ट करता है 3 फेज में। उसके आउटपुट में 3 फेज मोटर लगा रहता है जो कि 1 HP से जितना HP आपको ज़रूरत है वो उसी हिसाब से आपको प्लेट और VFD लगा के आप उतना HP मोटर चला सकते हो। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे 1 HP सिंगल फेज ये सॉरी 3 फेज मोटर लगा हुआ है। और इस VFD को फुल फॉर्म में बोला जाता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसको ये VFD का फुल फॉर्म। इसका काम यही होता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के में टाइम के टाइम वेरी करके मोटर को रन कराना है। इसीलिए सोलर में जब कम धूप होता है उस टाइम भी पानी आता है, जब ज़्यादा धूप होता है उस टाइम भी पानी आता है। तो इस टाइप से ये काम होता है। और इसमें फ्लोट स्विच भी लगा रहता है, जब टंकी फुल हो जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिक VFD ऑफ हो जाएगा, जब टैंक खाली हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये फिर से मोटर स्टार्ट हो जाएगा। पहले फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होती है, 50 तक जाता है, उसके बाद जब ये 40-45 हो जाए तो फुल स्पीड में मोटर रन करेगा। लेकिन फिलहाल 30 से मोटर धीरे धीरे रन करना चालू हो जाएगा, पानी ऊपर में आ जाएगा टंकी के ऊपर। जब 40-45 हो जाएगा तो उस टाइम मोटर एकदम फुल स्पीड में आ जाएगा, और 50 जब हो जाएगा तो उसमें एकदम मोटर फुल स्पीड और फुल लोड पे ये चलेगा और पानी भी अच्छा से आएगा। जब VFD चालू रहेगा तो आपको इस टाइप दिखाएगा। पहले चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए इस टाइप चलता रहेगा, ऊपर में आपको डिजिट शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी अभी 39.0। इस टाइप फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ते जाएगा वो 50 तक चला जाएगा, तो उस टाइम मोटर भी आराम से वो चलता रहेगा, धूप आते है और पानी भी टैंकी में फुल रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो फ्लोट सेट जब नहीं लगाएगा तो टैंकी से पानी फुल होकर नीचे आएगा और दूर से आपको इस टाइप दिखाएगा स्ट्रक्चर के साथ। और ये GI का भी होता है स्ट्रक्चर, लोहे का भी होता है, आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1 HP सिंगल फेज ये सॉरी 3 फेज है, और थिन प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है 330 वाट का। इस वीडियो के बारे में और